मैडम, ये आंगनबाड़ी का सिलेक्शन वैसे सही है, गलत है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ओ मैं कन्नड़ में बोलूं? हाँ कन्नड़ बोलो सर। ये क्या है, पूरा जाली करे सो है। हाँ वो साहब क्या कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स क्या जाली करके डाल रहे ना? हाँ वो पूरा वेरिफिकेशन नहीं कर रहे। हाँ वो आधार कार्ड एक चेंज कर रहे। हाँ चेंज करके क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे। हाँ वो एप्लीकेशन में आधार कार्ड ही देख रहे, रेजिडेंटल एक ही देख रहे। हाँ और रेजिडेंटल जाली कर रहे। जाली कर रहे। हाँ कितना लगे है ना। हाँ ये कम थान लोकल। हाँ ईड गैरी। हाँ वो क्या अभी डाले ना, दर्जी गली, रंगरेज गली, दर्जी गली, रंगरेज गली। हाँ ये सब क्या डाले ना, वो सब जाली है। जाली है, एक भी पक्का नहीं है। हाँ वो पैसा खा रहे। हाँ पैसा खा के क्या कर रहे, ऐसा ऐसा काम कर रहे। हाँ हमारा बीरर में कितना अपॉइंटमेंट हो रहे ना। हाँ वो सब गली गली जाके तो देख ले। आपका नाम मैडम? हमारा नाम चंद्रकला है। हाँ मैं आंगनवाड़ी यूनियन लीडर है, जिला कार्यदर्शी। हाँ है। हाँ एटीसी लीडर है मैं भी। हाँ मैं कितना बार बोल रहे मगर जाली के छोक रहे हो रहे इधर। हाँ ये देखो मैं डिपार्टमेंट में बड़ी जाली छोरा। ये मैडम अपने हालत बताए कि बिदर जो सीडीपीओ ऑफिस है, बिदर में जो आंगनवाड़ी के सिलेक्शन हो गए 2021 और 22 के, इसके अंदर पूरा फॉल्स है। मैं ऑलरेडी डीसी साहब को लेटर दिया हूँ और सीडीपीओ को भी लेटर दिया हूँ। मैं बार बार सीडीपीओ को बोला कि कोई मजलूम के साथ जुल्म ना होना, जिसका हक उसको मिलना, मगर यहाँ पर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स लेकर के, फॉल्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेकर के सबमिट कर रहे, कोई चिगरी का लेकर के उसको ओल्ड सिटी में उसको जो सोना नौकरी दे रही है, गलत है। जो ओल्ड सिटी का है, जो वो वार्ड में आता है, जो केंद्रीय इलाके, जो तहसील वार्ड बोलकर आता है, जो तहसील ऑफिस में वार्ड रहता है, वो वार्ड और तहसील ऑफिस में भी क्या कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। तहसील रेसिडेंस सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से मिल रहा, बोकस रेसिडेंस सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है तहसील ऑफिस से। इन तमाम मैं डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ बिदर से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि ये जितने भी सिलेक्शन हुए हैं आंगनवाड़ी बिदर जिले के अंदर, आंगनवाड़ी हेल्पर और टीचर्स के ये जो सिलेक्शन लिस्ट लगी है आज, ये सिलेक्शन लिस्ट का जो सर री इसका इंस्पेक्शन हो, इसको ऊपर जो सोना रोशनी, इसको ऊपर जो सोना वेरिफिकेशन करे और हकदार को हक मिले, और जितने भी सर्टिफिकेट जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशू हुए हैं और जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बिना पे इनको नौकरी लगा है, वो तमाम रेसिडेंस सर्टिफिकेट को तहसीलदार के पास भेजकर वो रेसिडेंस सर्टिफिकेट का करेक्ट वेरिफिकेशन किया जाए। और कई लोग जो सुना इस जो लोगों का सिलेक्शन है वह जो उसके हकदार थे, वो लोगों को हक नहीं मिलने से वो लोग भी सीडीपीओ और डीसी ऑफिस के पास कंप्लेंट दर्ज करे हैं, अपने राइटिंग में शिकायत दिए हैं। बिदर के हालात इतने खस्ता है, बिदर के अंदर अवाम के ऊपर जुल्म और ज्यादती हमेशा होती है, ये बिदर के अंदर हकदार को हक कभी नहीं मिल रहा, सिर्फ यहाँ पर जो सुना फॉल्स काम हो रहे हैं, पैसों की बुनियाद पर यहाँ पर जिंदा है तो आदमी को मर गया बोलकर उसके मरद का डेथ सर्टिफिकेट लेकर सबमिट करके नौकरियां ले रहे हैं। ऐसे हालात है यहाँ पर, जस्टिस हो, डीसी साहब नए आए हैं, मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के हालात को समझो और हकदार को हक मिले। इमीडिएटली आप ये जो लिस्ट लगी है, ये लिस्ट के ऊपर आप इमीडिएट जो है ना इसका वेरिफिकेशन ऑर्डर पास कराइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं वसीम किरवानी, जेडीएस डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी विंग, जिला बिदर। मैडम ये आंगनबाड़ी का सिलेक्शन वैसे सही है, गलत है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ओ मैं कन्नड़ में बोलूं? हाँ कन्नड़ बोलो सर। ये क्या है, पूरा जाली करे सो है। हाँ वो साहब क्या कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स क्या जाली करके डाल रहे ना। हाँ वो पूरा वेरिफिकेशन नहीं कर रहे। हाँ वो आधार कार्ड एक चेंज कर रहे। हाँ चेंज करके क्या कर रहे, एप्लीकेशन डाल रहे। हाँ वो एप्लीकेशन में आधार कार्ड ही देख रहे, रेजिडेंटल एक ही देख रहे। हाँ और रेजिडेंटल जाली कर रहे। जाली कर रहे। हाँ कितना लगे है ना। हाँ ये कम थान लोकल। हाँ ईड गैरी। हाँ वो क्या अभी डाले ना, दर्जी गली, रंगरेज गली, दर्जी गली, रंगरेज गली। हाँ ये सब क्या डाले ना, वो सब जाली है। जाली है, एक भी पक्का नहीं है। हाँ वो पैसा खा रहे। हाँ पैसा खा के क्या कर रहे, ऐसा ऐसा काम कर रहे। हाँ हमारा बीरर में कितना अपॉइंटमेंट हो रहे ना। हाँ वो सब गली गली जाके तो देख ले तुम। आपका नाम मैडम? हमारा नाम चंद्रकला है। हाँ मैं
आंगनवाड़ी यूनियन लीडर है, जिला कार्यदर्शी है, एटीसी लीडर है, मैं भी मैं कितना बार बोल रहे मगर जाली के चोक रहे हो रहे इधर। ये देखो मैं डिपार्टमेंट में बड़ी जाली छोरा। ये मैडम आपने हालत बताया कि बिदर जो सीडीपीओ ऑफिस है बिदर में जो आंगनवाड़ी के सिलेक्शन हो गए 2021 और 22 के, इसके अंदर पूरा फॉल्स है। मैं ऑलरेडी डीसी साहब को लेटर दिया हूँ और सीडीपीओ को भी लेटर दिया हूँ। मैं बार बार सीडीपीओ को बोला कि कोई मजलूम के साथ जुल्म ना होना, जिसका हक उसको मिलना, मगर यहाँ पर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स लिखा के, फॉल्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट लिखा के सबमिट कर रहे हैं। कोई चिदरी का लिखा के उसको ओल्ड सिटी में उसको जो सोना नौकरी दे रही है, गलत है। जो ओल्ड सिटी का है, जो वो वार्ड में आता है, जो केंद्रीय इलाके, जो तहसील वार्ड बोलकर आता है, जो तहसील ऑफिस में वार्ड रहता है, वो वार्ड और तहसील ऑफिस में भी क्या कर रहे हैं, पैसा रेसिडेंट सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से मिल रहा है, बोकस रेसिडेंट सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है तहसील ऑफिस से। इन तमाम मैं डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ बिदर से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि ये जितने भी सिलेक्शन हुए हैं आंगनवाड़ी बिदर जिले के अंदर आंगनवाड़ी हेल्पर और टीचर्स के, ये जो सिलेक्शन लिस्ट लगी है आज, ये सिलेक्शन लिस्ट का जो सर री इसका इंस्पेक्शन हो, इसको ऊपर जो सो ना रोशनी, इसको ऊपर जो सो ना वेरिफिकेशन करे और हकदार को हक मिले, और जितने भी सर्टिफिकेट जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशू हुए हैं और जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बिना पे इनको नौकरी लगा है, वो तमाम रेसिडेंस सर्टिफिकेट को तहसीलदार के पास भेज कर वो रेसिडेंस सर्टिफिकेट का करेक्ट वेरिफिकेशन किया जाए। और कई लोग जो सुना इस जो लोगों का सिलेक्शन है, जो उसके हकदार थे, वो लोगों को हक नहीं मिलने से वो लोग भी सीडीपीओ और डीसी ऑफिस के पास कंप्लेंट दर्ज करे हैं, अपने राइटिंग में शिकायत दी है। बिदर के हालात इतने खस्ता है, बिदर के अंदर अवाम के ऊपर जुल्म और ज्यादती हमेशा होती है, ये बिदर के अंदर हकदार को हक कभी नहीं मिल रहा। सिर्फ यहाँ पर जो सुना फॉल्स काम हो रहे हैं, पैसों की बुनियाद पर यहाँ पर जिंदा है तो आदमी को मर गया बोलकर उसके मरद का डेथ सर्टिफिकेट लेकर सबमिट करके नौकरियां ले रहे हैं। ऐसे हालात है यहाँ पर। जस्टिस हो, डीसी साहब नए आए हैं, मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के हालात को समझो और हकदार को हक मिले। इमीडिएटली आप ये जो लिस्ट लगी है, ये लिस्ट के ऊपर आप इमीडिएट जो है ना इसका वेरिफिकेशन ऑर्डर पास करवाइए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मैं वसीम किरवानी, जेडीएस डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, मंडला टीविंग जिला।